ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं गेमिंग न्यूज के बारे में, और इसके बाद रेगुलर जितनी भी गेमिंग अपडेट होंगी वो मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा इस चैनल के ऊपर। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छी लगती है नीचे कमेंट करके आपने मुझे लाजमी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस तरह की वीडियोस और होनी चाहिए गेमिंग से रिलेटेड या नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक, चैनल पे तो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप मैंने पहले एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी कुछ महीना डेढ़ पहले कि पाकिस्तान में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जो लोग गेम्स खेलते हैं, गेमर्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। उनमें से सबसे मेन प्रॉब्लम यही था पिंग, ठीक है, पिंग का बहुत बड़ा इशू होता है। उसके अलावा जो वापटा वाले हैं, लाइट जो हमारी चली जाती है इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा मसला है, मतलब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में। मतलब अभी तो कंट्रोल में, अभी रमज़ान में हम आराम से गेमिंग कर सकते हैं, एक्चुअली हमें गेमिंग नहीं करनी चाहिए, हमें रोज़ा नमाज सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जो लोग गेमिंग करते हैं मतलब वो अपनी गेम्स इन्जॉय कर सकते हैं क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। लोड शेडिंग वाली चीज़ को साइड पे रख के बात करते हैं पिंग के बारे में। पाकिस्तान में अगर ज़्यादा लोग जो फोर्टनाइट, मुझे नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों कार्टूनिक सा लगता है, लेकिन अगर आप फोर्टनाइट लवर हैं तो आप इस वीडियो को डिसलाइक मत कीजिएगा, हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, हर बात पे ऑफेंड नहीं हुआ करते। ओके, तो यहाँ पर मतलब ज़्यादा लोग पबजी खेलते हैं। मैंने देखा है मतलब जिन लोगों को गेमिंग का, जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में कोई गेम खेली नहीं है वो भी अपना टाइम पास करने के लिए पबजी खेल रहे होते हैं क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आता है खेलने में। तो बहुत से लोग एमुलेटर पे खेल रहे होते हैं, और मोबाइल तो हर बंदे के पास है, मोबाइल में कोई गेम आज तक उन्होंने इंस्टॉल नहीं की, उन्हें 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल हो गए एंड्रॉयड लिए हुए, लेकिन वो भी पबजी खेल रहे होते हैं, ठीक है। मैंने खुद देखा है, मेरे कज़न ने कुछ है। इशू क्या है, पिंग का होता है, ठीक है, पिंग का बहुत ज़्यादा मसला है हमारे पास, उनको लोगों को पता ही नहीं होता। बहुत से जो न्यू होते हैं, जिनको मतलब जो न्यू आते हैं उनको नहीं पता होता, उनकी गेम लैग कर रही होती है, वो समझ रहे होते यार हमारी रैम में मसला है, हमारे दरवाजे नहीं खुल रहे, ठीक है, ये नहीं हो रहा। जब आपकी पिंग 900 आ रही होगी तो आपके दरवाजे किस तरह खुलेंगे। मैंने इस पर वीडियो बनाई है पिंग के बारे में कि पिंग का क्या तल्लुक होता है, क्या उसका इंटरनेट की स्पीड के साथ होता है। तो यहाँ पर मैं आपको मुख्तसरन बता चलूँ, इंटरनेट की स्पीड से पिंग का कोई तल्लुक नहीं होता, उसका जो मतलब सर्वर के साथ लिंक होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो बताता है। और अगर आपकी पिंग हाई आ रही है तो बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, आपने गोली मारी है, अगर आपकी पिंग हाई है वो बंदा आगे चला जाएगा, आप तक रिस्पॉन्स लेट पहुँचेगा, आपकी गोली नहीं लगेगी, आप बोलोगे यार ये हैकर है, या आप बोलोगे यार पबजी ने क्या क्या कर रही है, पबजी अपनी गेम खराब कर रही है, या मतलब गेम में जो अपडेट आई है उसका मसला बन गया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आपकी पिंग हाई आ रही होती है, वो बंदा पहले आगे चला जाता है क्योंकि आपकी पिंग हाई आ रही है, आपके पास रिस्पॉन्स लेट पहुंच रहा है, आपकी गोली पीछे से गुजर जाएगी और आपको बंदा मार के चला जाता है, आपकी गेम वहां पर ही लैग कर जाती है, अटक जाती है, रुक जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। अब पबजी में क्या है, एक नया सर्वर आया है, ठीक है, जो लोग मतलब मिडल ईस्ट में रहते हैं जिसमें दुबई वगैरह ये जितने भी यहाँ पर ये कंट्री हैं मिडल ईस्ट में आते हैं, तो हमारे लिए जो मिडल ईस्ट का सर्वर है वो बेस्ट होगा। बेस्ट किस तरह होगा, अगर अभी आप पबजी में जाते हैं अपने पबजी को अपडेट करेंगे, 250 MB की एक अपडेट आई थी, परसों आई थी शायद, तो उसको जब आप अपडेट करते हैं तो उसके बाद आपको मिडल ईस्ट सर्वर जो है सर्वर लिस्ट में एशिया और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और उसके अलावा नीचे KRJP जो है, ठीक है, कोरिया और जापान वाला और यूरोप के बाद आपको मिडल ईस्ट भी देखने को मिलता है। मिडल ईस्ट में जो आपकी पिंग है वो नॉर्मल, मेरी जो नॉर्मल पिंग आती थी वैसे यूरोप में और एशिया में, एशिया में जो मेरी पिंग आती थी 200 से अबव आती थी, और जो यूरोप में आती थी वो 150-160 आती थी। लेकिन आपकी मेरी जो पिंग आ रही है इसमें मतलब मिडल ईस्ट में वो आ रही है ऑलमोस्ट 60-70, 60-70, 64-65-70, ठीक है, इतनी पिंग आ रही है। लेकिन जब आप लॉबी में होते हैं इतनी पिंग आ रही होती है, जब आप लॉबी से बाहर चले जाते हैं वो पिंग खत्म हो जाती है। अब ये जो है ये इशू इस तरह लग रहा है जैसे पबजी वालों ने क्या किया है, हमें चूना लगा दिया और बहुत ही सिंपल तरीके से ये काम किया है कि वहां पर अपना मतलब वो कंटेंट तो डाल दिया उसका मिडल ईस्ट का, लेकिन उसमें सर्वर एक्चुअल में ऐड ही नहीं की। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो और ये जो चीज है ये फिक्स हो जाएगी नेक्स्ट अपडेट में। अब पबजी की जब भी, क्योंकि न्यू सीजन आने वाला है, कब आने वाला है मुझे से एग्जैक्ट याद नहीं है, तो जैसे न्यू सीजन आएगा या अगर उससे पहले भी कोई अपडेट आती है तो उस अपडेट में इस चीज को फिक्स कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान में आपको जो पिंग है वो 60-70 नॉर्मल देखने को मिलेगी, 60-70 पिंग ठीक है, 60-70 पिंग पे आप अच्छी, 100 से जब पिंग ऊपर चली जाती है तो आपकी गेमिंग का मजा ही नहीं रहता, आप ये मतलब नहीं आइडेंटिफाई कर सकते आप बहुत अच्छे गेमर नहीं हो। अब आपकी पिंग अगर 900 आ रही है, आप जितनी अच्छी मर्जी है गेमिंग कर लेते हो आप नहीं खेल पाओगे, आपको एक नूब मार के चला जाएगा, ठीक है। और अगर हो सकता है बोट भी आपको, क्योंकि आपकी गेम एक जगह रुक गई है, आप उसको रिस्टार्ट करने लगे तो आप यहां पर नीचे लेफ्ट में मतलब कॉर्नर पर देख लिया करेंगे आपकी पिंग कितनी आ रही है, उस हिसाब से जो आपकी गेमिंग है वो उसका एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो मिडल ईस्ट सर्वर यार बहुत अच्छी चीज है जिसको ऐड किया गया है, और ये उम्मीद तो है कि पाकिस्तान में जितनी मतलब गेमिंग की ऐसी चीजें हैं इसको मतलब अपडेट
अपडेट कर देगा और हम आसानी से पबजी खेल सकेंगे और स्ट्रीम भी कर सकेंगे। एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की पबजी को स्ट्रीम करने की, लेकिन हाई पिंग के मसले, ठीक है, मैं नहीं कर सका। लेकिन अब अगर ये सर्वर नेक्स्ट अपडेट में सही, मतलब अच्छे तरीके से जैसा वो लॉबी में दिखा रहा होता है, गेम के अंदर जाके भी इतनी पिंग हमें देगा तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @ofjibilalchaudhary। बाकी मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।